اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جو ہے وہ ہم ایکولیبریا دیکھنے والے ہیں اور یہ جو ایکولیبریا ہے یہ فردر اسپیکٹس اف ایکولیبریا اے ٹو ہے اے ایس کی کنٹینیوشن ہے تو وداؤٹ سٹارٹنگ اینی فردر اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ہمارے چینل کو اور بیل آئکن بھی پریس کرنا مت بھولیے گا मैं आपको कहता हूँ कि आपके पास पी एच है ठीक है तो पी एच जो है वो मेरे पास है वन ठीक है इसमें जो है वो एच पॉजिटिव एच पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी तो इसमें मैं ये कहता हूँ कि आपके पास जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो टेन डेज पर माइनस वन होगी और बाकी जो पॉज नेगेटिव आंस कॉन्सेंट्रेशन होगी वो टेन डेज पर माइनस थर्टीन होगी ठीक है तो उसका मतलब मैं एच पॉजिटिव आइंस तो पी ओ एच लिखूंगा तो उसका मतलब होगा ओ नेगेटिव आइंस ठीक है लाइक दिस मैं पी एच को टू कर देता हूँ तो ये टेन इज पर माइनस टू हो जाएगा ये टेन इज पर माइनस ट्वेल्व हो जाएगा मैं इसको सेवन कर दूँ तब क्या होगा पी एच आपको पता है पी एच टोटल कितनी होती है फोर्टीन ठीक है ये पी एच सेवन हो जाएगी तो ये टेन इज फ्रॉम माइनस सेवन और टेन इज फ्रॉम माइनस सेवन और क्योंकि पी एच सेवन का मतलब ये एच पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन उस नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है जिसकी वजह से न्यूट्रल है इसे सिमिलरली मैं इसको अगर नाइन कर दूं तो ये टेन इज फ्रॉम माइनस नाइन तो ये टेन इज फ्रॉम माइनस फाइव और अगर ये थर्टीन हो जाए तो टेन इज ये जो है एक और चीज जो है वो ये है जब पी एच वन और टू है ठीक है क्योंकि ऐसे देखो H positive is more than OH negative. Concentration of H positive is more than OH negative. इसमें जो पी एच सेवन था एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन ओ एच नेगेटिव इक्वल है और इसमें जो है OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन एच पॉजिटिव ठीक है तो इस पर ठीक है तो ये जो बात है ठीक है एक आपको थोड़ा सा अगली बात का लेकिन अगली बात समझ नहीं गई तो एक रेफरेंस का इस पर अगर आप नहीं लिखा ये इसमें जो नॉट्स नहीं है तो अब जो वो के बेसिस जो है उस इक्वेशंस वो ये पी एच जब मैं बात एच पॉजिटिव माइनस मेरा तल्लुक है तो पी एच टू माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव ठीक है फिर पी एच टू माइनस लॉग ओ एच नेगेटिव ठीक है ये दो इक्वेशन कैलकुलेट कर ठीक है पर ये पी एच वो है
product of water. जी यानी प्रोडक्ट ऑफ वाटर को हम क्या कहते हैं ए डब्ल्यू के ठीक है हमने पी एस पी पढ़ा एपी एपी अब हम डब्ल्यू देखेंगे उसके बाद हम के पी पी देखेंगे या पी देखेंगे ठीक है इसलिए हम इक्विलिब्रियम को देखेंगे ठीक है ये हम के डब्ल्यू देखेंगे देखो आपके पास वाटर है और वाटर की इक्वेशन है एच टू ओ इसकी आयनाइजेशन बराबर एच पॉजिटिव प्लस ओ एच नेगेटिव ठीक है मैं बात करता हूँ इसकी केसी ही एक्सप्रेशन इसकी हम केस में बात की हम एक्सप्रेशन लिखेंगे केसी की केसी इक्वल्स टू एच पॉजिटिव was negative H2O ठीक है अब जो भी हो एक ही के बाद सोचने के W कैसे आएगा तो ये तो के W क्या आएगा कि अब ये H2O को एक ही की तरह नेगेटिव क्या के P equals to H2O equals to H positive, OH negative, ठीक है और ये जब आपके पास के पी मल्टीप्लाई होगा एच टू ओ के साथ ये हमारे पास के डब्ल्यू बनेगा एंड के डब्ल्यू की जो एक्सप्रेशन है वो एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव ठीक है अब जो है वो हम ये कहते हैं के डब्ल्यू की वैल्यू क्या बेटा देखिए वाटर जो होता है ये जो आपके पास वाटर है इसकी पी एच इसकी पी एच 7 वाटर न्यूट्रल ये भी पास पानी प्योर ये न्यूट्रल अगर एसिडिक होता तो मेरा तो काम नहीं देखते पता आप साल साल मैं यहाँ पर पढ़ाने आऊंगा न्यूट्रल ठीक है जबकि ये न्यूट्रल है तो न्यूट्रल में आपको क्या मतलब न्यूट्रल में आप देख सकते हैं एच पॉजिटिव न्यूट्रल में एच पॉजिटिव ओएच नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो एक ठीक है सी टी हम एच पॉजिटिव भी जो एच पॉजिटिव है हमारे यदि 1 × 10⁻⁷ और ओ एच नेगेटिव भी 1 × 10⁻⁷ ये आपस में मिलने से 1 × 10⁻¹⁴ की वैल्यू बना रही है 1 × 10⁻¹⁴ इज वैल्यू ऑफ के डब्ल्यू दैट इज द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एंड 25 डिग्री सेल्सियस ठीक है मीन टेम्परेचर ठीक है तो ये इस तरह आपने इसको जो है वो रेडी कर दिया बात है वो बात सिंगल टास्क वो ये है देखिएगा हमने यहाँ पे बात मैंने यहाँ पे कहा एच पॉजिटिव ये वैल्यू एड हो रही है फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव प्लस पॉज नेगेटिव तो एड करो तो 1 × 10⁻¹⁴ है इसको खत्म कर दो −14 डिग्री क्या होगा अगर एच पॉजिटिव को लॉग ऑफ एच पॉजिटिव लॉग तो एक नेगेटिव को भी लॉग ऑफ
was negative, वो इनपुट माइनस 40। इस नेगेटिव को हटाने के लिए आप यहाँ पे नेगेटिव लॉग लोगे, माइनस लॉग पीएच नेगेटिव 40, ये देखो नेगेटिव लॉग एच पीएच होता है, ठीक है, पीएच में माइनस लॉग एट और फिर वो एक बहुत नेगेटिव लॉग और सो ये किया चाहे ये आपके पास पी ओ एच सो पी एच प्लस पी ओ एच इक्वल्स टू 14। So this is also a very important equation that we will use during our equilibria this topic. Thank you. ठीक हो गया. So शुरू से हम देखते हैं हमारे पास कितनी equations हैं जिनको हम भी study करने वाले जी. दो ये इक्वेशन, ठीक है, ये भी इक्वेशन, ये भी है इक्वेशन, ठीक है, तो सी इक्वेशन ये हो गई क्योंकि डबल बन और पांच इक्वेशन ये वाली हो गई, ठीक है. और अब जो है वो कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हम वो कर, ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ों के लिए यूजेज है वो हमको समझा सकते हैं.